श्री हरी, आज हम बना रहे हैं कराची हलवा। आज मेरी हेल्प करने के लिए मेरी बिटिया मेरा साथ दे रही है। पहले कंटेनर को, चौरस कंटेनर को ग्रीस करना है, अच्छे से ग्रीस करना है उसको, क्योंकि फेस्टिवल देखो शुरू हो चुके हैं। अब मिठाई के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो आज हम बनाएंगे घर पे ही मिठाई। हम ले रहे हैं 1 कप कॉर्नफ्लोर, थोड़े से काजू बादाम कटे हुए। अब 1 कप अगर कॉर्नफ्लोर है तो इसमें 3 कप पानी डलेगा। पहले भर के अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। इसको अच्छे से हमने फेंटना है ताकि कोई लम्स ना हो। अब ऐसे एक एक करके 1 गिलास पानी का और डालेंगे। इसको साथ साथ बैटर से मिक्स करते जाएंगे। 1 गिलास और। अब हम 2 कप, जिस नाप से हमने कॉर्नफ्लोर लिया था उसी कप से हम 2 कप चीनी ले रहे हैं। एक कप पानी, हमने इसकी चाशनी बनानी है, तार की चाशनी नहीं बनानी। इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे जब तक चीनी अच्छे से ये मेल्ट नहीं हो जाती है। चीनी मिक्स हो गई, चाशनी बन गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे इसको। मैंने फूड कलर रेड कलर का लिया है, आप येलो कलर का भी ले सकते हैं। अब हमने मोटी कढ़ाई रखी है और साथ में कॉर्नफ्लोर के एक बार से और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं कि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है अभी और साथ साथ इसको चलाते जाना है। अभी देखो पानी सूख गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया, कॉर्नफ्लोर जेली की शेप ले लेगा। देखो पानी बिल्कुल सूख गया, ये सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया। जो चाशनी हमने बनाई थी वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, साथ साथ चलाते रहेंगे। अब ये सूख गया, अब इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो एक एक करके हम घी का और डालेंगे। इससे 4 से 5 चम्मच इसमें घी डल जाएगा। देखो शाइनिंग आनी शुरू हो गई। अब 1 चम्मच और डल रहा है घी, वो मिक्स हो गया पहले वाला। पहले वाला मिक्स हो जाए तब हम घी और डालेंगे इसमें, इकट्ठा नहीं डालना।
देखो कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई, पानी सारा ऑब्जर्व हो गया, इसमें घी भी ऑब्जर्व हो गया। अब इसमें जो कटा हुआ ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे। मैंने काजू और बादाम डाले हैं, आप इसमें खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर मैं डालूंगी खुशबू के लिए, इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम लोग सिट्रिक एसिड डालते हैं, अगर सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब ये मैं इसको हल्का सा ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं प्लास्टिक के कंटेनर में डालती हूँ तो एकदम से मैं गरम गरम नहीं डाल सकती। अगर कांच का आपने ले रखा है तो आप कांच में डाल सकते हो। अभी इसको हम कंटेनर में डाल देंगे। अब इसमें ये डाल दी हमने, ऊपर से भी आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हैं। अब इसको सेट करने के लिए रख देंगे कुछ घंटे के लिए। अब ये कराची हलवा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको प्लेट में ऐसे उल्टा करके पलट देंगे, देखो अच्छे से सेट हो गया। अब इसको बर्फी की शेप में कटिंग कर लेंगे। अब मैंने इसको सीधा कर दिया, ये देखो कितना स्पंची सॉफ्ट बने, है ना डिलीशियस।